अगर आप एक CSE भी लिए हैं तो वीडियो को अंत तक पूरा देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में दिखाएंगे अगर आप पैन कार्ड अप्लाई करते हैं UTI के द्वारा तो उसका डॉक्यूमेंट अपलोड करने का कुछ नया प्रोसेस है, किस तरह से आप डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे और कैसे आपको फोटो क्रॉप करना है, सिग्नेचर क्रॉप करना है, पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो आप अंत तक पूरा देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम अपना डिजिटल सेवा ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसी तरह का वीडियो देखना पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे नए अपडेट पाने के लिए, और नए नए जानकारी आपको इस चैनल पे मिलते रहेगा। और कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, हम पैन कार्ड अप्लाई कर चुके हैं। करने के बाद हम उसका डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। अभी उसे हम स्कैन भी करके रख लिए हैं, और स्कैन किस तरह से किया जाता है इसका वीडियो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसे आप देख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सर्च में हमको टाइप करना है पेन। और यहाँ पर सर्च कर देंगे। यहाँ पर देखिए, UTI का जो पैन कार्ड सर्विस है आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए, अप्लाई न्यू पैन पे जाएंगे और अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं नया प्रोसेस क्रॉप एंड अपलोड आपको देखने को मिलेगा। अपलोड पहले था लेकिन अब क्रॉप एंड अपलोड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, ये नया प्रोसेस आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। उसके बाद देखिए, यहाँ पर चॉइस फाइल है और ब्राउज, ब्राउज पे हम क्लिक करेंगे और जो फाइल हम PDF फाइल बना के रखे हैं जिसमें हम पेन का फॉर्म है और आधार कार्ड अटैच करके जो पैन कार्ड का फॉर्म है वो यहाँ पर अपलोड किया हुआ है, उसे ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद आप अपलोड PDF फाइल यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो डॉक्यूमेंट हम स्कैन करके रखे थे वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। कुछ देर यहाँ पर वेट करना पड़ता है, उसके बाद आपका इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर आपका जो पेन का डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर दिखाई देगा। तो देखिए, इस तरह से एक एक करके आपका अगर नेटवर्क ठीक रहेगा तो तुरंत काम करेगा। आप ऑनलाइन यहाँ पर क्रॉप कर सकते हैं फोटो और सिग्नेचर। यहाँ पर आप देखेंगे कि जिस पेज में आपका फोटो है उस फोटो को अगर आप क्रॉप करना चाहते हैं तो पेज पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए, फर्स्ट पेज पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वो पेज यहाँ पर बड़ा साइज में आ जाता है, और यहाँ पर देखिए आपको रोटेट लेफ्ट है और रोटेट राइट है, बीच में क्रॉप इमेज का ऑप्शन पे क्लिक किया हुआ है। तो आप यहाँ पर फोटो पे उसे आपको खींच देना है, जितना साइज आपको क्रॉप करना उतना साइज दबा के इसे खींच देंगे। उसके बाद खींचने के बाद आपको क्रॉप इमेज पे क्लिक करना है। तो देखिए, फोटो क्रॉप हो चुका है। उसके बाद हमको सिग्नेचर क्रॉप करना है। सिग्नेचर क्रॉप करने के लिए हमको जिस पेज का सिग्नेचर अच्छा लगता है उस पेज को हम क्लिक करेंगे, उसका साइज बड़ा हो जाएगा। अगर आधार कार्ड में सिग्नेचर किए हैं तो भी आप बड़ा कर सकते हैं उसे भी। तो जो सिग्नेचर आपको अच्छा लगेगा उस पेज पे आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर तीन पेज है, दो पैन कार्ड फॉर्म का, एक आधार कार्ड का। तो चलिए, हम एक पेज को क्लिक कर दिए हैं। अब इसका सिग्नेचर है, इसे हम क्रॉप कर लेंगे। तो मेरा यहाँ पर क्रॉप पे टिक लगा हुआ है। अब यहाँ से क्रॉप कर देते हैं सिग्नेचर का साइज। यहाँ पर आप देख लेंगे कितना सिग्नेचर का साइज यहाँ पर अब बड़ा छोटा यहाँ पर देख लेंगे। सिग्नेचर कटना नहीं चाहिए, फ्रेश आना चाहिए। उसके बाद आपको क्रॉप इमेज पे क्लिक करना है। अब फोटो भी
क्रॉप हो चुका है और सिग्नेचर भी क्रॉप हो चुका है और दोनों इस तरह से आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फ़ोटो भी दिखाई दे रहा और सिग्नेचर भी दिखाई दे रहा। तो इसे हम फोटो को क्लिक करेंगे और नीचे जो फ़ोटो का इमेज दिखाई दे रहा है वहाँ पर आपको ला के छोड़ देना है। तो देखिए फ़ोटो आ चुका है, उसके साइड में सिग्नेचर है। तो सिग्नेचर को वहाँ से पकड़ के आपको नीचे सिग्नेचर का सिंबल बना है वहाँ पर ला के आपको छोड़ देना है। तो देखिए यहाँ पर फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों अटैच हो चुके हैं। अब अपलोड पिक्चर एंड सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे तो यह अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये अपलोड हो चुका है, रेफरेंस नंबर आपको दिखाई देगा। उसके बाद जब आप इसे इसका स्टेटस देखना चाहते हैं, ये बन गया या रिजेक्ट हुआ या किसी प्रकार का कुछ कारण से अगर आप इसका स्टेटस देखना चाहते हैं तो फिर से आपको उसी साइट पे आना है। तो यहाँ पर उसी साइट पे आ जाते हैं फिर से। फिर से यहाँ पर अप्लाई न्यू पेन पे क्लिक करेंगे और अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए नो कैश पेंडिंग यानी कि जो डॉक्यूमेंट है अपलोड हो चुका है। अब ट्रैक पेन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फाइंड एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करके यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन का जो नंबर है पेन कार्ड का उसे डाल के यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको सारा डिटेल देखने को मिल जाएगा ये पेन कार्ड का। अगर बन जाएगा तो यहाँ पर आपको वो पेन कार्ड का नंबर यहाँ पर आपको दिखाई देगा, सारा डिटेल यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे आपको नया अपडेट मिल सके। अगर आपके मन में कोई सवाल है, सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका रिप्लाई करेंगे। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।